लूज लिप्स सिंक शिप्स, ये पुरानी कहावत पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और इसमें कोई शक नहीं कि ये सच है। ये याद दिलाता है कि जितना कम बोले उतना अच्छा है, पर अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुतों को ये बात समझ नहीं आती है और हम ज़्यादा बोल देते हैं, जिससे खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। आज की हमारी बात इसी टॉपिक के ऊपर है, ज़्यादा बोलना कितना खतरनाक हो सकता है और चुप रहने के कितने फायदे हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त का डिवोर्स चल रहा था। वो काफ़ी गुस्सा और परेशान था और जो उसकी बात सुनने को तैयार था उसके सामने बोलना शुरू कर देता था। वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में, उसके लॉयर्स के बारे में, जज के बारे में और दूसरे कोई भी जो केस में इन्वॉल्व थे उनके बारे में बुरा कहता रहता। वो ये समझ नहीं पाया कि वो जिनसे बात कर रहा है उनमें से कुछ उसकी एक्स वाइफ के दोस्त भी थे और वो सब कुछ आगे उसकी एक्स वाइफ को बता रहे थे। इवेंचुअली उसकी एक्स वाइफ के लॉयर्स को जो उसने कहा था उनमें से कुछ चीज़ों का पता चला और उन्होंने वो उसके खिलाफ कोर्ट में यूज़ किए। इन दी एंड उसने अपने बच्चों की कस्टडी गंवा दी और उसे बहुत ज़्यादा एलिमनी देना पड़ा। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ज़्यादा बोलने से हम मुसीबत में आ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बोलने को ज़्यादा वैल्यू देती है। हमें अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए, अपने दिल की बात बताने के लिए एनकरेज किया जाता है। सोशल मीडिया ने इस बात को और भी खराब कर दिया है, क्योंकि अब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम अपने हर थॉट और फीलिंग्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। पर सच तो ये है कि ज़्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फीलिंग्स हर्ट और इवन लीगल ट्रबल तक ले जा सकता है। तो फिर हम इस मुश्किल से कैसे बच सकते हैं? जवाब आसान है, हमें चुप रहना सीखना चाहिए। साइलेंस में बहुत पावर है और बोलने से ज़्यादा सुनना सीखने के ज़्यादा फायदे हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। गांधी अपनी पावरफुल स्पीचेस और अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर करने के लिए फेमस थे, लेकिन वो साइलेंस की कीमत भी जानते थे। वो हर रोज़ कई घंटे मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन में बिताते थे और कई बार कई दिनों तक कुछ नहीं बोलते थे। वो बिलीव करते थे कि साइलेंस पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है और इसे हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस खोज सकते हैं। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस भी है। रिसर्च से पता चला है कम बोलने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट, थॉटफुल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। इसका रीज़न ये है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा सुनते हैं और वह दूसरों की नीड्स और कंसर्न्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में हो तो हमेशा बेटर ये होता है कि आप कम बोले और ज़्यादा सुने। इससे ये दिखता है कि आप दूसरे इंसान की बातों में इंटरेस्टेड हैं और उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। इससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का भी मौका मिलता है और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी बना पाते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखने चाहिए, स्पेशली जब वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जैसे पॉलिटिक्स या रिलीजियन के ऊपर हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अपने ओपिनियंस ना रखें, पर यह है कि आप बहुत केयरफुल हो कि कहाँ और कब उन्हें एक्सप्रेस करें। गलत जगह अपने ओपिनियन रखने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फीलिंग्स हर्ट हो सकती है और इससे इवन आपके रिलेशनशिप्स डैमेज भी हो सकते हैं या आप सीरियस ट्रबल में जा सकते हैं। सो अपना माउथ शट रखने के कई बेनिफिट्स हैं। हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लीगल ट्रबल और फीलिंग्स हर्ट होना अवॉइड कर सकते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अंदर एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ सकते हैं। जैसे कि लाओ त्ज़ू ने कहा था, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये भी नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें अपने और दूसरों के हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन उस सिचुएशन में भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करें और इंटेंशन के साथ बोलें। जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, स्पीक ओनली इफ इट इम्प्रूव्स अपॉन द साइलेंस। तो चलिए आज से हम सब बोलने से पहले एक पॉज ले, सुने और सोचे, और ये याद रखे कि जितना कम बोले उतना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इन लेसन्स को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। याद रखे, साइलेंस की पावर आपके अपने हाथों में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।